श्यामली देवी और उनकी बेटी डोला एक नए बंगले में शिफ्ट होते हैं जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। ये बंगला एक मंजिला है जिसके सामने से एक पक्की सड़क गुजरती है और पीछे की ओर कुछ पेड़ पौधे और एक छोटा तालाब है। बंगले का शांत वातावरण श्यामली को बहुत भाता है और उन्हें उम्मीद होती है कि यहाँ वे अपनी बागवानी की पुरानी इच्छा पूरी कर सकेंगी। लेकिन पुलिस के परिवार का जीवन स्थिर नहीं होता। श्यामली जानती है कि यह स्थायित्व केवल कुछ सालों का है, फिर से सामान पैक करके नए ठिकाने की ओर बढ़ना होगा। आज का दिन भी ऐसा ही था। सुबह से सामान जमाने का काम चल रहा था। पुराना हवलदार सुबोध इसमें मदद कर रहा था, लेकिन बाकी का काम श्यामली को ही करना पड़ा क्योंकि उनके पति अमिया बाबू ऑफिस में थाने का चार्ज लेने में व्यस्त थे। डोला की पढ़ाई को लेकर श्यामली चिंतित थी। डोला समझदार थी और पढ़ाई में रुचि लेती थी, लेकिन पिता की नौकरी के कारण वह स्थिर नहीं हो पाती थी। हर 2-3 साल में उसे नए स्कूल, नए दोस्त और नए माहौल में ढलना पड़ता था। निशिगंज, जहां वे अब आ बसे थे, के बारे में श्यामली को कोई जानकारी नहीं थी। क्या यहां अच्छे स्कूल और शिक्षक होंगे? क्या डोला को यहां स्थिरता मिल पाएगी? ये सवाल श्यामली के मन में लगातार उठते रहे। मामा, तुम कहां हो? श्यामली की तंद्रा टूटी और वह बाहर आई। डोला किसी महिला के साथ हंसी मजाक कर रही थी। आइए, मैं मलीना हूँ। खबर मिली कि आप यहाँ आई हैं, तो मिलने चली आई। श्यामली को मलीना पहली नजर में ही अच्छी लगी। वह बिल्कुल भी ग्रामीण महिलाओं जैसी नहीं लग रही थी। उसकी बातचीत और व्यवहार में सुसंस्कृति झलक रही थी। मलीना ने श्यामली को बैठने के लिए कहा और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। मलीना ने बताया कि उसका परिवार भी पुलिस में है और वह भी इसी इलाके में रहती है। श्यामली को यह सुनकर अच्छा लगा कि मलीना की एक बेटी भी है जो डोला की ही उम्र की है। दोनों महिलाओं ने आपस में कई बातें की और जल्द ही उनमें दोस्ती हो गई। अगले दिन डोला ने श्यामली से आटा मांगा। माँ, मुझे आटा चाहिए। मैं मछली पकड़ने के लिए आटे की गोलियां बनाना चाहती हूँ। श्यामली को यह सुनकर हैरानी हुई क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि घर के पीछे के तालाब में मछलियाँ भी हैं। माँ, लिली ने मुझे मछली पकड़ना सिखाया है। उसने बताया कि कैसे बंसी में चारा लगाना और मछली पकड़ना होता है। डोला तालाब के किनारे बैठी मछली पकड़ रही थी जब श्यामली ने उसे देखा। उसके पास एक कागज पर आटे की गोलियां पड़ी थीं और वह बंसी डाले बैठी थी। देखो माँ, मैंने पहले ही 2 मछलियां पकड़ ली हैं। श्यामली को यह देखकर हैरानी हुई कि लिली इतनी जल्दी डोला की अच्छी दोस्त बन गई थी। श्यामली को याद आया कि मलीना ने कहा था कि उसकी बेटी बहुत शांत स्वभाव की है और किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। हालांकि कुछ दिनों बाद श्यामली के पति अमिय बाबू को कुछ असामान्य लगा। उन्होंने मलीना और लिली के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उन्होंने पाया कि इस इलाके में कोई भी मलीना या उसकी बेटी को नहीं जानता। जब उन्होंने थाने के पुराने रिकॉर्ड देखे तो उन्हें पता चला कि करीब 30 साल पहले इसी बंगले में एक दरोगा नरेश चंद्र सरकार रहता था जिसकी पत्नी और बेटी की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। नरेश चंद्र सरकार की पत्नी का नाम भी मलीना था और उसकी बेटी का नाम लिली। दोनों की मृत्यु एक रात अचानक हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि मलीना ने अपनी बेटी को जहर देकर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। यह खुलासा श्यामली को झकझोर देता है। उन्हें एहसास होता है कि जिनसे वे इतने दिनों से मिलती जुलती रही हैं, वे आत्माएं थीं। श्यामली और अमिय बाबू ने तुरंत बंगला छोड़ने का फैसला किया। श्यामली, जो इस जगह से जुड़ गई थी, अब यहां रहना नहीं चाहती थी। कहानी का अंत एक रहस्य के खुलासे के साथ होता है जो श्यामली और उनके परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है।